चैनल कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो फ्रेंड्स। हमेशा की तरह सब्जी बना रही हूँ देखिए, और आटा गूंदने की तैयारी चल रही है। आज का पूरा व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना एंड पसंद आए व्लॉग को तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज है अहोई अष्टमी, आप सभी को हैप्पी अहोई अष्टमी मेरी ओर से। एंड मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट्स में बताना। ओए होए 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 होए, क्या गिर गया पानी नीचे देखिए। एक हो रहा है, लो मैं नीचे गिर गया। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जी हमारे बनकर रेडी हो गई है। ये मैंने मीठी पूरी का आटा गूंद लिया है और इसके बनेंगे पूड़े, यानी कि गुलगुले भी बोलते हैं इनको। और हरा धनिया भी मैंने कट करके रख लिया है। सब्जी बनने के बाद मैंने हरा धनिया डाल दिया है। देखिए इसमें सब्जी हमारी अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। और ये मेरा अहोई अष्टमी का व्लॉग है और अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ। आज बड़ी हिम्मत करके मैं बैठी हूँ, मैंने कहा आज तो ये मुझे व्लॉग एडिट करना ही है और ये मुझे अपलोड करना ही है, क्योंकि क्रंच वीडियो पर तो येलो डॉलर आ रहा है, इसलिए क्रंच वीडियो भी आप सबको नहीं मिलेंगी। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूड़े। मीठी पूड़ियाँ तो मैंने बना ली है, पूड़े बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और बच्चे बना रहे थे यहाँ पर वीडियो, इसलिए मोबाइल को हिला डुला रहे थे। सो फ्रेंड्स, इतने दिनों बाद वैसे तो ये व्लॉग मिल रहा है आप सब सबको। अभी तक तो सब अहोई अष्टमी की बातें वगैरह कुछ होता है क्या होता है सब भूल भी गए होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, आजकल मतलब पहले त्यौहार थे उनमें बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, और स्कूल वगैरह होता रहता है तो कुछ ना कुछ बिजी रूटीन चलता ही रहता है। और अभी मैं सोच रही हूँ, मेरे मोबाइल की स्टोरेज इतनी ज़्यादा भर गई है ना, बहुत ज़्यादा, तो ये वीडियोज़ हैं मैंने सोचा आज इसको मैं एडिट करती हूँ और अपलोड करने के बाद ये जो भरी हुई है वीडियो फ़ोन में मैं इनको डिलीट कर दूंगी। तो देखिए मेरा खाना वगैरह सब बन गया है, यहाँ मैंने साड़ी भी रख दी है, यहाँ पर पूजने की तैयारी चल रही है। ऐसे पूजते हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर कैसे पूजते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना फ्रेंड्स। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने पूड़े रख दिए हैं, करवे के ऊपर भी पूड़े रखे जाते हैं हमारे यहाँ। और मेरी साड़ी कैसी लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट्स में बताना। ये वाली साड़ी मैंने वही अष्टमी के लिए रेडी की थी, वैसे तो पहले मैं दूसरी पहनने वाली थी लेकिन फिर मुझे ये अच्छी लगी, ये वाली पहन ली। और ये वाली जो ब्लाउज की जो स्लीव्स हैं, ये मैंने रात में रेडी की थी, क्योंकि स्लीव्स जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी ब्लाउज की, तो ये इसलिए उटपटांगी बनी हुई हैं, सही नहीं है यानी कि। और पार्थ मेरे पास बैठ गया है, पार्थ को मैंने सुबह ही न्यू कपड़े पहना दिए थे, बट ये तो है ना बहुत ज़्यादा शैतान, तो इसने न्यू कपड़े निकाल दिए थे, इसे गर्मी लग रही थी। मैंने न्यू कपड़े ऑर्डर किए थे इसके मीशो से। लास्ट में मैं एक पार्थ की पिक लगा दूंगी, उसमें देखना बताना आप सब, आप सबको कैसे लगे मीशो की ये कपड़े, अच्छे थे वैसे डेली यूज़ के लिए। पट गया है, अभी हम दे देते हैं अपना बायना और माता रानी को भोग लगा देते हैं। यहाँ पर मैं तो हमेशा मम्मी को ही देती हूँ बायना, साड़ी वगैरह सब निकाल दी, इसमें पैसे वैसे सब रख दिए हैं मैंने। और बच्चों को भी लगी है भूख, क्योंकि पूरी देखने के बाद तो बच्चों को और ज़्यादा भूख लगती है। और वहाँ की कहानी वगैरह सुनने का मैंने करवा चौथ का व्लॉग तो बनाया था, लेकिन इस बार नहीं बनाया है क्योंकि जल्दी जल्दी में ही हो जाता है सब कुछ, एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, एक तो ये भी है और उसी में त्यौहार, उसी में वीडियो वगैरह सब करना होता है, फ़ोटो वगैरह, तो इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई कुछ भी। और पार्थ यहाँ पर बैठा हुआ है बिल्कुल मेरे पास में, देख रहा है क्या क्या करना है मुझे, कैसे कैसे करना है, और हाथ भी जोड़ रहा था ये।
का। अर्घ में दे के आ गई हूँ, सारी निकल गई है क्योंकि अष्टमी के व्रत में सारी से व्रत खोलते हैं। तो अभी मैं अपना व्रत खोलने जा रही हूँ, नहीं आ रही हूँ बारी में। मेरा व्रत अपने आप पीने की लग रही है, खुल गया। नहीं तुम्हें नहीं पीना ठंडा पानी, ये तुम्हें खांसी हो रही है, इन दोनों को बहुत खांसी हो रही है। ये है मेरी साड़ी आज की, अभी तक मैंने पूरा लुक आप सबको दिखाया नहीं था। एक मिनट में और पीऊँगी, अभी मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं साड़ी चेंज करूँगी और मैं फिर बनाऊँगी बाकी बचा हुआ खाना। आज के ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, दीपावली ब्लॉग में। सो बाय एवरीवन, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। घर पे उतना हमने कर दिया है, बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चों का मन खुश करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो करना ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बड़ा वाला जो बैलून होता है उसी को फुला रही थी और ये ना बहुत मुश्किल से फूल रहे थे। मेरा मुंह भी दुखने लगा था, पूरा मेरा माउथ दुखने लगा था इनको फुलाते फुलाते, बहुत हार्ड होते हैं ना ये। और पंप मैंने अभी मंगाया नहीं है, जब मैं पंप मंगा लूँगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सोच रही हूँ वानी के बर्थडे पर मंगाऊँगी। और वानी के डैडी भी अभी आए थे, वानी के डैडी बार बार वानी को बोल रहे थे मेरी वीडियो मत बना, मेरी वीडियो मत बना, ऐसे ही करते हैं हर बारी। मैंने भी गर्मी की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं पहना, ये लोअर टी शर्ट ही डाले हुए हैं, बच्चों ने बस नए कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि बच्चे को तो बर्थडे की वजह से गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पार्थ जब हुआ था उस दिन भी बहुत गर्मी थी और अगस्त में हमेशा ही गर्मी होती है वैसे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया था गर्मी ने, इसीलिए हमने कुछ खाना वगैरह भी नहीं बनाया था आज के दिन। और ये पार्ट का बर्थडे था 5 अगस्त को और ये व्लॉग मैं आज एडिट कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता ही है स्कूल जाती हूँ ना मैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि वीडियोज़ भी नहीं आ पाती है, सब्सक्राइबर बिल्कुल अटक गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। दूर 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 यहाँ दूर दूर आराम से हाथ पे बंद लगवा लेंगे आराम से, है ना? वेरी गुड, ऐसे लगा लो, ये ज्यादा दादी हो रही, वेरी गुड लगा दे, बस 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 लग गया। अभी बीच में लगा दे इसको, इसको लगा दे, जल्दी लगा दे, माफ कर बस बीच ये लगा दे, अभी इसको लगाऊंगा, फोर वाला बीच में लगेगा, नहीं बेटे तू गिरा देगा इसे, वीडियो बना नहीं दे रहा बिल्कुल भी, एक तो ये बनाने वाली ऐसी है। मेरे अंदर तक आने जाने तक मेरी चाय निकल गई है, मैंने चाय बनाने के लिए रखी थी अपने लिए, निकल गई, चाय नहीं था ये दूध ही था, दूध में मैंने पत्ती लगाई थी क्योंकि चाय आप सबको पता ही है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ब्लैक वाली चाय निकल गया आधी, काम और एक्स्ट्रा हो गया मुझे, अभी थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ेगा इसमें, कम हो गई निकल गई लेयर। हाँ तो चलिए ये वाला क्रंच कर लेते हैं,
बहुत अर दिया, बहुत 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 ज़्यादा अर दिया। बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट और बहुत अर्दी है। वाओ, एक और लेयर निकल गई, बट इसको मैं खाऊंगी नहीं चिप्स के तौर पर, नेक्स्ट वीडियो में खाऊंगी। बहुत टेस्टी है, बहुत अर्दी है, बट क्रंच करने के बाद ड्राई बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसे पंजाब की मिट्टी हो जाती है। बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है और बहुत अर्दी और बहुत ज़्यादा क्रंच, क्रंची नहीं है, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा और अर्दी है बहुत ज़्यादा, बट टेस्ट इतना अच्छा है ना पूछो मत। वो अच्छा है, थ्री लेयर निकल गई, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, इसलिए अभी वीडियो का कर देती हूँ एंड, ये नेक्स्ट वीडियो में मेरे काम आएंगे, लेकिन अर्दी बहुत है सच्ची में।